संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में जब नित्यानंद के काल्पनिक देश कैलाशा की प्रतिनिधि दिखी तो लोग चकित रह गए। साध्वी जैसी वेशभूषा में संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में डिप्लोमेट्स के बीच बैठी ये महिला कौन है? आखिर ये महिला किस ओहदे पर और संयुक्त राष्ट्र कैसे पहुंच गई? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भारत की साध्वियों जैसा वेशभूषा, सिर पर केश की भारी जटाएं, ललाट पर टीका, गले में रुद्राक्ष की बड़ी माला और गेरुआ वस्त्र। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा दफ्तर में जब अंग्रेजी में भाषण देती इस महिला का वीडियो देखा तो उन्हें देखकर एक बार भी समझ नहीं आया कि ये महिला किस देश की प्रतिनिधि है। बाद में जब नित्यानंद के ट्विटर अकाउंट से ये फोटो डाला गया तो लोगों को माजरा समझ आया। भारत में रेप के आरोपियों का सामना कर रहे भगोड़े नित्यानंद के एक नया प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने फहराया है। नित्यानंद ने पहले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा नाम से एक नया देश बनाने का दावा किया, जहां कथित रूप से हिंदू मान्यताओं के अनुसार जीवन जिया जाता है। जब नित्यानंद ने अपने देश के एक प्रतिनिधि मंडल को एक महिला की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भेजने का दावा किया है, नित्यानंद अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट से इसका प्रचार कर रहा है। कैलाशा की ओर से एक महिला साध्वी जिनेवा में हुए संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में हिस्सा लेती हुई दिख रही है। इस महिला ने अपना नाम माँ विजय प्रिया नित्यानंद बताया है। कैलाशा की वेरिफाइड फेसबुक अकाउंट के अनुसार माँ विजय प्रिया नित्यानंद संयुक्त राष्ट्र में कैलाशा देश की स्थायी राजदूत हैं। माँ विजय प्रिया नित्यानंद अपना निवास स्थान अमेरिका का वाशिंगटन डीसी शहर बताती हैं। विजय प्रिया को नित्यानंद के देश कैलाशा में डिप्लोमेट्स का दर्जा दिया गया है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में 22 फरवरी को हुई संयुक्त राष्ट्र के इस कार्यक्रम में काल्पनिक देश कैलाशा की ओर से माँ विजय प्रिया नित्यानंद के अलावा 5 और महिलाएं भी शामिल हुई। इस सम्मेलन में माँ विजय प्रिया नित्यानंद ने दावा किया है कि हिंदू परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए भारत में उनके सर्वोच्च गुरु को उत्पीड़ित किया जा रहा है। विजय प्रिया ने संयुक्त राष्ट्र से पूछा कि कैलाशा में नित्यानंद और 20 लाख हिंदू प्रवासी आबादी के उत्पीड़न को रोकने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। बता दें कि नित्यानंद के खिलाफ भारत में रेप समेत कई केस चल रहे हैं। भारत में न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने की बजाय नित्यानंद देश से फरार हो गया है। विजय प्रिया का नित्यानंद के खिलाफ लगाए गए उत्पीड़न के आरोप बेबुनियाद हैं। नित्यानंद के वेरिफाइड अकाउंट पर पोस्ट किए एक वीडियो में विजय प्रिया नित्यानंद ने कहा है कि भारत से फरार नित्यानंद को अपना गुरु बताया है। विजय प्रिया ने कहा है कि उनके गुरु ने उनके लिए काफी कुछ किया है। विजय प्रिया ने नित्यानंद को अपने जीवन का स्रोत बताया है। विजय प्रिया ने कहा है कि वे अपने गुरु को और कैलाशा को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।